हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्ट मार्शल अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडियन आर्मी ने एक कैप्टन को जो कैप्टन रैंक का एक ऑफिसर होता है उसे कोर्ट मार्शल किया है उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है लाइफ इम्प्रजनमेंट का आजीवन कारावास का तो क्या न्यूज़ है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं कोर्ट मार्शल हम लोग देखेंगे कि आर्मी अपने पर्सनल को कैसे सजा देती है जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं हाउ आर्म्ड फोर्सेज पनिश देयर पर्सनल फॉर क्राइम किस तरह से जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं जो आर्मी के लोग होते तो हैं उनको वो अपने पर्सनल को कैसे क्राइम के लिए पनिशमेंट देते हैं तो हम लोग इसको समझेंगे इसे समझने के लिए एक और यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे होंगे टर्की और यू अभी कुछ दिन पहले एक जैसा कि हम लोग जानते हैं टर्की में भूकंप अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक में भारत ने काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाया वहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड वहाँ पे एनडीआरएफ टीम गई वहाँ पे और एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से वहाँ पे एक मिशन चलाया गया ऑपरेशन दोस्त और जिसके तहत वहाँ पे लोगों को मदद पहुँचाया गया था क्योंकि टर्की अगर हम बात करें तो टर्की भारत का हमेशा विरोधी रहा है काश्मीर के मुद्दे को लेकर लेकिन उसके बावजूद भी भारत भी मदद किया क्योंकि भारत का ये जो है वसुधैव कुटुम्ब मतलब ये जो पूरा विश्व एक परिवार है इसके तहत ऑपरेशन दोस्त चलाया गया लेकिन टर्की ने न्यूज़ में आया था कि टर्की बैक स्टेप्स इंडिया अगेन टर्की ने पीठ पीछे फिर से छोड़ा भूकने का काम किया है क्यों क्योंकि यू एन से जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यहाँ पर टर्की ने फिर से भारत के खिलाफ कश्मीर को लेके वहाँ पे कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है फिर से वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है जिसका यहाँ के लोगों ने काफ़ी निंदा किया आखिर ये क्यों ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस हमेशा कश्मीर में ये उठता है मुद्दा क्या है उसी को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे अट्ठारह जुलाई दो को जो आशिमपुरा है शोपियान डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर आर्मी के द्वारा किया जाता है जिसमें तीन लोगों को मार दिया जाता है तो फिर बाद में जब उनका मिसिंग रिपोर्ट वो दायर किया जाता है और फिर जब बाद में पता चलता है जब आर्मी एनकाउंटर का अपना न्यूज़ जब रिलीज करता है तब उसमें पता चलता है कि वो जो मिसिंग पर्सन है वो लेबर थे काश्मीर के ही वो लोग काम करने वाले मजदूर थे जिनको आर्मी के लोगों ने मारकर और उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था तो जो एनकाउंटर है उसे फेक एनकाउंटर बताया गया कि इट वाज अ फेट फेक एनकाउंटर यह अठारह जुलाई 2020 को हुआ था इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल एस एसआईटी का गठन किया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का और एक चार्जशीट फाइल किया जिसमें तीन लोगों को नाम दिया गया था और एक जो कैप्टन भूपेंद्र सिंह थे उनका नाम दिया गया और बाकी दो और सिविलियन थे आप लोग कैप्टन जो भूपेंद्र सिंह हैं उनको मेजर एलियास मेजर बशीर खान भी कहीं कहीं न्यूज़ में दिया गया है तो इस तरह का मेजर बशीर खान और कैप्टन भूपेंद्र सिंह दोनों एक ही हैं क्या होता है कि कुछ जिस लोकल में वो लोग रहते हैं कश्मीर में तो लोकल पीपल से घुल मिल लेने के घुलने मिलने के कारण कि जो इन्फॉर्मेशन जो है अपने सूत्रों के हिसाब से वो सही मिले इसके कारण वो लोग अपना नाम बदल लेते हैं तो कैप्टन भूपेंद्र सिंह का ही नाम है और मेजर बशीर खान तो जो फेक एनकाउंटर उसको डिक्लेयर किया गया और अभी जो कोर्ट मार्शल के तहत जो आर्मी जो कोर्ट होता है वो लाइफ इम्परजनमेंट रिकमेंड किया है कैप्टन भूपेंद्र सिंह के लिए तो आखिर किस तरह से आर्मी पर्सनल को सजा दिया जाता है तो इसको हम लोग समझेंगे देखिए जैसे कोई भी जो एलिगेशन लगाया जाता है इस तरह का जो फेक एनकाउंटर के तहत तो वहाँ भी एक चीज और हम लोग देखेंगे कि फेक एनकाउंटर क्योंकि तो वहाँ पे एक आपसपा एक एक्ट है आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसके तहत तो वहाँ पे कुछ आर्म्ड जो फोर्सेज उनको कुछ स्पेशल पावर दिया जाता है तो उसका मिसयूज बताया गया है तो एलिगेशन यही था कि वो लोग मजदूर थे और ये फेक एनकाउंटर एक तरीके से किया गया था तो इस तरह का कोई भी जब एलिगेशन जब लगाया जाता है और आर्मी चाहता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करें तब सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे उस प्रोसेस को वो होता है तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है एक सी ओ आई यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सबसे पहला जैसे एलिगेशन होता है तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है सी ओ आई ये बिल्कुल एफ आई आर की तरह होता है जैसे नॉर्मल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है सेम उसी तरह का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप किया जाता है आर्मी के द्वारा फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम ठीक उसी तरह से है जैसे पुलिस काम करती है एफ FIR, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है इसके बाद पुलिस का काम क्या होता है कि जो भी जो सस्पेक्ट होते हैं उनको पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद चार्जशीट फाइल किया जाता है उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है फिर चार्जशीट फाइल किया जाता है तो इस तरह से ही जब सी ओ जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होता है तो कोर्ट ऑफ जो इंक्वायरी है ये क्या काम करती है कि इसका काम जो है इन्वेस्टिगेशन करना पनिशमेंट अवार्ड करना नहीं है इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे ठीक उसी तरह से पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है सजा देना नहीं होता है फिर सी क्या होता है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है जो भी विटनेसेज होते हैं और उसके बाद जो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो चार्जशीट फाइल करता है ठीक है चार्जशीट फाइल करने के बाद एक जीसीएम का फिर गठन होता है ऑर्डर दिया जाता है जीसीएम के लिए ये जनरल कोर्ट मार्शल ये इसका फुल फॉर्म है तो जनरल कोर्ट मार्शल का गठन किया जाता है अब जनरल कोर्ट मार्शल ठीक उसी तरह से जैसे नॉर्मल कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट और ट्रायल करता है जो भी जो विटनेस होता है एविडेंस होता है समरी ऑफ एविडेंस के तहत उस पर ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद जो दोषी पाया जाता है उसे सजा दिया जाता है लेकिन अब यहीं पे सिविल जो मज कोर्ट जो होता है आपका मतलब जो सिविलियन के लिए जो कोर्ट होता है तो यहाँ और यहाँ पे क्या अंतर है यहाँ पे जो जनरल कोर्ट मार्शल जो होता है ये क्या करता है कि सेंटेंस जो भी जो पनिशमेंट जो दिया जाता है जो सेंटेंस जो ऑर्डर जो किया जाता है तो नॉर्मल में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट सेंटेंस जो भी जो सजा दिया जाता है उसे घोषित करता है अनाउंस करता है लेकिन यहाँ पे जो जी है इस सजा को घोषित नहीं करता है इस सजा जो भी है उसको रिकॉमेंड करता है यहाँ पे समझना है हम लोगों को ये क्या करता है रिकॉमेंड सिफारिश करता है जैसे अभी इस केस में कैप्टन भूपेंद्र सिंह को किया गया है कि लाइफ इम्प्रजनमेंट के लिए तो यहाँ पर जो जी है लाइफ इम्प्रजनमेंट के लिए रिकोमेंड करेगा और किसे रिकॉमेंड करेगा तो ये आर्मी नॉर्दर्न जो भी जो कमांड होता है आर्मी का तो ये जो काश्मीर में जो इशू हुआ है तो ये नॉर्दर्न कमांड में आता है तो आर्मी नॉर्दर्न कमांड को ये अपना जो भी है रिकमेंडेशन देगा पनिशमेंट का अब आर्मी जो नॉर्दर्न कमांड है इसमें क्या होता है कि फिर जो जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग जो होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स लोग होते हैं जी ये उस सेंटेंस को कन्फर्म करते हैं रिमिट और टू रिवाइज द सेंटेंस जो भी सेंटेंस होता है उससे ये चाहेंगे तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि निरीक्षण किया जाता है केयरफुली कि सही तरीके से ये जो भी इनकाउंटर हुआ है या जो भी इशूज है वो सही है या नहीं है फेक है क्या है इसके बारे में कन्फर्म किया जाता है अगर यहाँ पे जी सी चाहेगा तो इस सज़ा को कम कर सकता है ठीक है लेकिन अगर सज़ा को बढ़ाना होगा तो फिर से जी के पास भेजा जाता है आई होप आपको ये समझ पा रहे होंगे किस तरह से ये किया जाता है जैसे आर्मी नॉर्दर्न कमांड में जब जाता है तो वहाँ पे कौन जो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो आर्मी जज एडवोकेट जनरल होता है जे ए जे जज एडवोकेट जनरल ये इसको डील करते हैं तो इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर हम लोग देखेंगे कि जो एक्यूज्ड जो होता है जो एक्यूज्ड है आपका वो सेक्शन 164 ऑफ़ द आर्मी एक्ट आर्मी एक्ट में 164 के तहत जो एक्यूज है उसके पास भी जैसे पटिशन फाइल हो कर सकता है दो तरह के फाइल फाइलों कर सकता है एक प्री कन्फर्मेशन पटिशन होता है और एक पोस्ट कन्फर्मेशन पटिशन होता है जो प्री कन्फर्मेशन पटिशन है ये आर्मी को फाइल किया जाता है और जो पोस्ट कन्फर्मेशन पटिशन है क्योंकि इस जॉब से उस आर्मी जो भी एक्यूज है उसको हटा दिया जाता है सर्विस से तो हटाने के बाद वो फिर आर्मी को वो पटिशन नहीं फाइल करेगा फिर वो गवर्नमेंट को फाइल करता है तो ये दो तरह के हैं प्री कॉन्फर्मेशन पटिशन और पोस्ट कॉन्फर्मेशन पटिशन अगर हम लोग देखें अभी 2017 से लेकर 22 के बीच में 108 कंप्लेंट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को लेके है हमारा 108 सौ आठ कंप्लेन इस तरह के फेक एनकाउंटर या इस तरह के जो भी इशूज़ जो हैं ह्यूमन राइट्स को लेके एक सौ आठ कंप्लेंट दो हज़ार सत्रह से लेकर बाईस तक इससे लेकर दो हज़ार बीस में आर्मी ने ह्यूमन राइट्स सेल भी बनाया था तो हम लोग देख रहे हैं कि कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है फेक इनकाउंटर से रिलेटेड और भी बहुत तरह का फेक एनकाउंटर इस तरह का हुआ है बहुत आर्मी लोगों का कोर्ट मार्शल भी पहले किया जा चुका है इसी इशूज़ को लेके जो टर्की है ये पाकिस्तान का साइड लेकर और हमें यू से जो अभी जिनेवा में जो सम्मेलन हो रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पे इंडिया के खिलाफ में बोला है हालांकि पहले से अब काफ़ी कम बोला पहले बहुत ज़्यादा बोलता था तो इस तरह से आ, कि ये जो भी आपका कोर्ट मार्शल किया जाता है आई होप आपको ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा आर्मी काफ़ी प्रोफेशनल है काफ़ी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखता है इसको लेके बोला भी गया है जो आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स की जो भी ऑपरेशन जो होता है वो एथिकल ऑपरेशन होना चाहिए और उसके साथ ही साथ एथिकल ऑपरेशन हो और उसमें जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स वायलेशन कि अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके तरफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए क्योंकि देखिए आर्मी को लेके बहुत और वहाँ के जो लोग है, जो हैं जो सिविलियंस हैं काफ़ी सस्पेक्ट वो शक् निगाहों से देखते हैं उनका कहना है कि आर्मी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है हमारे जीवन में करता है तो इसका भी सरकार को ख्याल रखना है क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बसाया जा रहा है तो कॉन्फिडेंस जितना भी काफ़ी जरूरी है तो आर्मी को हमारा आर्मी वैसे बहुत अच्छा सही तरीके से काम करता है अब मिस्टेक हो जाता है कि अब सस्पेक्ट अब कौन सिविलियन है कौन टेररिस्ट है किसके दिमाग में क्या चल रहा है तो इस तरह का घटना होते रहता है तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कोर्ट मार्शल कि कैसे कोर्ट मार्शल किया जाता है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत बहुत धन्यवाद अब चाहे